हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस हम लोग आए हुए हैं, तो आपको हम पूरी वीडियो में आपको पूरा हम वंडर कराने वाले हैं। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, तो चिल्ड्रंस के लिए अलग चार्जेस हैं और एडल्ट के लिए अलग चार्जेस हैं। तो एक टिकट है 50 रुपये का, तो हम लोग 5 लोग हैं, तो टोटल 250 रुपये का हमारा टिकट आया है। तो 4 घंटे ये वैलिड है, आप 4 घंटे आराम से घूमिए। तो हम दिन के टाइम में आए हैं, और अगर आप रात के टाइम में आएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, रात में भी बहुत अच्छा लगता है और दिन में भी बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको पिक्स वगैरह लेनी है तो आप दिन में आइए, इससे आपका फेस अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो हम लोग अब एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे दुनिया भर के 7 अजूबे हैं, तो आपको सब देखने मिलेंगे। और यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है सब चीज़ों के नीचे, तो आप नाम पढ़िए, उसके बारे में डिटेल्स पढ़िए सारी, तो आपको पता पड़ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं घूमना। तो गाइस, इस पार्क का नाम है वंडर थीम पार्क, और इसका एक और नाम है बेस्ट टू वंडर। ये दोनों नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली का एक ऐसा पार्क है जहां पर दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ कछुओं की सहायता से बनाया गया है। दिल्ली के सराय काले खान के पास स्थित इस वंडर थीम पार्क में दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ दिखाया गया है। भारत में स्थित ताजमहल, फ्रांस में स्थित एल्फिल टावर, इटली में स्थित लीनिंग टावर ऑफ पीजा, अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ब्राजील में स्थित क्राइस्ट द रिमीडर, मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इटली में स्थित कोलोसीयम, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छा अच्छा मतलब इनको बना के रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब कुछ कचड़े से मतलब वेस्ट से बना गया है पूरा, तो इसलिए इसका नाम वेस्ट ऑफ वंडर है। इस पार्क में स्थित 7 अजूबों एवं यहाँ पर की गई नक्साजी को बनाने के लिए परियोजना के रूप में 7.5 करोड़ लगे हैं, और इसको बनाने में 6 महीने का टाइम लगा है। इस पार्क में स्थित दुनिया के 7 अजूबों को बनाने में 150 टन वेस्ट कचरा का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रमुख है ऑटो पार्ट्स, साइकिल चेन, कार इंजन और पेट्रोल टैंक। दिल्ली का यह बेस्ट टू वंडर पार्क 7 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र में फैला हुआ है। दिल्ली का यह बहुत ही प्रमुख पार्क है। इस पार्क में लाइटिंग की व्यवस्था के लिए कई सूर्य प्लेट देखी जा सकती हैं। इस पार्क में स्थित दुनिया के 7 अजूबों के अलावा खूबसूरत नक्साजी वाला फाउंटेन एवं फाउंटेन वाटरफॉल भी यहां पर बनाया गया है, जिसे देखकर लोग काफ़ी सुकून भरा महसूस करते हैं। इस पार्क में जाने के लिए 3 साल से कम एवं 65 साल से अधिक उम्र के बच्चे एवं व्यक्ति को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है, तो वहीं 4 से 12 साल के बीच के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 25 रुपये लिया जाता है, और इस पार्क में वयस्क व्यक्तियों को जाने के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये चार्ज किया जाता है। यह पार्क सुबह 11 बजे खुलता है और रात के 11 बजे बंद हो जाता है। दिल्ली के बेस्ट टू वंडर पार्क में घूमने जाने के समय के बारे में यदि बात करें तो आपको बता दें, वैसे तो यहाँ पर पूरे साल कभी भी आप घूमने आ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर गर्मी के मौसम के दौरान घूमने जाने से बचें, क्योंकि दिल्ली में गर्मी के मौसम के दौरान तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको सुबह परेशानी हो सकती है। तो आप रात में आ सकते हैं गर्मियों के टाइम में घूमने के लिए। आपको रात के टाइम में देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है अलग अलग कलर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है रात में।
तो आप शाम को भी ज़रूर आइए घूमने। शाम को आना बेस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा रात को भी। तो यहाँ पे पास ही में मेट्रो स्टेशन भी है, तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। मेट्रो से ज़रा सा ही आपको थोड़ा मेट्रो स्टेशन से चलना होगा, और पास में ही है तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। और यह है नेशनल हाईवे के साइड में है, बगल में है, तो ये हाईवे के आपको बगल में दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 7 वंडर्स तो हैं ही, साथ में यहाँ पे बहुत ही हरियाली है। मतलब आप पूरे में ऐसे चलेंगे ना तो आपको बहुत हरियाली मिलने वाली है, तो जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा नेचर यहाँ पे अच्छा फील होता है। तो आप फ्रेंड्स के साथ में आ सकते हैं, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और आप पार्टनर के साथ भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी आपको जगह जगह चेयर्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे थोड़े कॉटेज भी बने हुए हैं बैम्बूस के, आपको कॉटेज भी मिल जाएंगे छोटे छोटे बने हुए हैं बैठने के लिए। तो गाइस ये है ताजमहल, ये ताजमहल बनाया हुआ है इनने। तो आपको वैसे 7 वंडर्स तो पता ही होगे, तो आप देख के पहचान ही रहे होगे कि ये कौन सी चीज़ है, और यहाँ पे बोर्ड में भी आपको हम दिखाते जा रहे हैं कि ये कौन कौन से वंडर हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि पत्थर की बनी हुई हैं। अब इनको आप टच करके तो देख नहीं सकते, क्योंकि टच करके देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जुर्माना लगेगा आपका, 1000 समथिंग जुर्माना लिखा है यदि आप इन चीज़ों को वंडर्स को टच करके देखेंगे। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट टच, और 1000 फाइन लग सकता है आपका, तो इसलिए इसे टच ना करें। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें जैसे लोहे की भी बनी है और पत्थर की भी बनी है, मतलब देखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है, और वैसे तो ये सब मिक्सिंग बना हुआ है वेस्ट का, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे छोटा सा फाउंटेन है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, ऐसे ऊपर से पानी आ रहा है, और यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे ग्रुप्स वगैरह भी आ सकते हैं घूमने के लिए, और वैसे भी 3 साल के जो कम बच्चे हैं, 3 साल से कम के, तो उनके लिए तो फ्री ही है, तो मतलब अच्छा है। अब ये देखिए मम्मी है वो बैठने जा रही हैं, अब थोड़ा थक चुके हैं घूम घूम के, तो वो रेस्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेसेस यहाँ पे बनाई गई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बैम्बूस की। और ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये तो मतलब बहुत फेमस है, इसको तो सभी जानते ही हैं, दिख जाता है, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा पार्क भी बना हुआ है, और बहुत अच्छी पिकनिक के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। गाइस यहाँ पे ये देखिए खाने के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे आइटम्स भी हैं, और देखिए कितनी कलरफुल चेयर्स हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मेन्यू में दिख जाएंगी, आइसक्रीम वगैरह भी है और कचौरी, बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे, और ज़्यादा प्राइस हाई भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस हैं। पीपल्स मॉल सबसे बेस्ट है। हाँ, इससे बेटर कंपैरिजन करते हैं तो पीपल्स मॉल बेटर है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको, ये जो है ना ये पीपल्स मॉल का सिर्फ 10% है।
ये भी अच्छा है, मतलब लुक बढ़िया है। रात में मुझे ऐसा लग रहा है रात में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा है रात में ज्यादा अच्छा रहता वैसे ना, रात में लाइट वाइट अच्छी चलती है। हाँ पर फोटो मोटो के लिए दिन में ही आओ, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग है। लोहे का बना है सब सामान, लोहे का बना है। खाना वाना भी सब मिलता है सही रेट में मिलता है, ज़्यादा कोई महंगा रेट नहीं है। या खाना भी बढ़िया मिलता है सही रेट में मिलता है, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अब चलते हैं नेक्स्ट जगह।